शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई की आज की हमारी जो पत्रकार वार्ता है वो जो लगातार यहाँ पर कभी डीडीसी के इलेक्शन होने की बातें की जा रही है, कभी यहाँ पर लैंड कानून आ रहा है, डोमिसाइल को लेकर कानून आ रहा है। हमारी सरकार से साफ तौर पर पहले ये मांग है कि जम्मू कश्मीर की जनता को पहले उनका राज्य बहाली का हमें दर्जा बहाल किया जाए, उसके बाद इन कानूनों को और इन चुनावों की प्रक्रिया को शुरू किया जाना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने भी, जब जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को 35A और 370 को हटाया गया था, उस समय हमसे वादा किया गया था कि बहुत जल्द कश्मीर के हालात शांत होते ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। अब राज्य दर्जा बहाली को लेकर ये तमाम नेता इस समय मौन की स्थिति के अंदर है। जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार कानून लाने और चुनाव करवाने को लेकर यहाँ पर होड़ बची हुई है, यानी कहीं ना कहीं जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है असल मुद्दों से। तो हम सरकार से और जनता से भी ये अपील करते हैं कि तमाम चुनावों का बहिष्कार किया जाए, जब तक जम्मू कश्मीर को राज्य बहाली का दर्जा यहाँ पर हमारा बहाल नहीं किया जाता। इसके साथ ही अब हमें अपने हक लेने के लिए हमें सड़कों पर उतरना होगा।